वो देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल वालों को हाथ से इशारा करके और कुछ लोगों को धक्का भी दे दिया गया, जो नज़दीक एकदम थे फ्लीट के उनको धक्का दे दिया गया कि किनारे हटिए। यानी गाड़ी में बैठे लोग जो हैं वो हर तरह से या साम दाम दंड भेद चाहे जैसे हो वो चाहते हैं कि फ्लीट के आसपास कोई ना आए और पूरी तरह से कवर किए हुए हैं आगे तक, चूंकि अब इस रास्ते पर सबसे ज़्यादा रिहायशी इलाका है, रश बहुत है, बहुत सारे वाहन भी सड़क पर खड़े रहते हैं, दुकानें जैसा मैंने पहले बताया कि दुकानें भी सड़क तक सजी रहती हैं, तो इस यहां पर ट्रैफिक पूरा स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे जब तक हम शहीद पथ वाला शहीद पथ के नीचे यानी जो ओवरब्रिज है, जो पुल है, उसके नीचे तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये स्थिति रहेगी। यहाँ इसी तरह से ट्रैफिक सुस्त गति से चलेगा, धीमी गति से चलेगा। और दूरी कितनी रह गई है विवेक, यहाँ से दोनों तरफ से यहाँ से एम्बुलेंस है उसको लोग कवर कर रहे हैं विवेक, यहाँ से जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं राजेंद्र, यहाँ से 11-12 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वो दूरी वो हम ये नहीं कह सकते वो कितने समय में ख़त्म होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस रूट के ट्रैफिक पर। अगर ट्रैफिक हमें साफ मिल जाता है तो 11-12 मिनट की दूरी हम 20-25 मिनट में 20-22 मिनट में पूरी कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर ट्रैफिक रश रहता है, वाहन अगर लगातार इसी तरह से जिस तरह से स्पीड से चल रहे हैं, तो हमें आधा घंटा 40 मिनट भी लग सकता है MP MLA कोर्ट जो बहुकंडी में है, बहुकंडी इमारत में है, वहाँ पहुँचने में आधा घंटा से 40 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर वाहन नहीं मिले और रूट साफ किया गया होगा, रूट को पूरी तरह से एकदम क्लीन करा दिया होगा प्रशासन ने मुख्तार की फ्लीट के मद्देनज़र, तो हम ज़रूर 20-22 मिनट में 24 मिनट में बहुकंडी पहुंच सकते हैं, जहां पर अभी अगर हम समय की बात करें तो अभी लगभग 12:40 यानी पौने एक होने वाला है, और पौने एक जो अंदाज़ा लगा रहे थे कि 1:15 या 1:30 बजे तक वहाँ पहुँचने की उम्मीद है। ये रूट पर 10-15 मिनट का हमने परिवर्तन इसलिए लिया है, जो समय अंतराल है वो इसलिए लिया है क्योंकि वो डिपेंड करता है इस रूट की जो व्यस्तता पर कि वाहन कितने होंगे और फ्लीट की स्पीड क्या होगी। अगर स्पीड ठीक ठाक मिल जाती है और रास्ता क्लियर मिल जाता है तो शायद हम अगले 22-25 मिनट में बहुकंडी कोर्ट में होंगे, और वहाँ पर चूँकि वहाँ ऑलरेडी तमाम लोग हैं, वहाँ पर कोर्ट भी इंतज़ार कर रही है, जो धोखाधड़ी का मुकदमा है तमाम धाराओं में मुख्तार के साथ उनके दोनों बेटे अब्बास और उमर भी आरोपी हैं, हालांकि अब्बास और उमर को आज नहीं बुलाया गया है, लेकिन वो वहाँ पर ज़रूर मौजूद इसलिए होंगे कि वहाँ पर उनके पिता जो उनके वालिद हैं वो पहुँचने वाले हैं और जेल से उनको निकाला गया है। उन्होंने तमाम फेसबुक पर और ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर आशंका भी जताई है कि कुछ अनहोनी हो सकती है, तो निश्चित तौर पर वो नज़र रखे हुए हैं। और ये जो आप आसपास इनके एम्बुलेंस के आसपास जो गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सब उन्हीं लोगों ने भेजी हैं, अब्बास ने पूरी तरह से सुरक्षित, चूंकि अब्बास अपने पिता की ही जगह पर विधायक हुए हैं, अब की बार मुख्तार अंसारी ने चुनाव नहीं लड़ा था, अपने बेटे को चुनाव लड़ाया था, तो अब्बास विधायक बने हैं और जिम्मेदारी ये है कि पूरी सुरक्षा की जाए उनके अपने वालिद की, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, अगर रास्ते में कोई समस्या आती है तो उनके लोग मौजूद रहें, उनके जो लोग हैं वो चप्पे चप्पे पर हर जो थाना क्षेत्र है वहाँ से लेकर जनपद से लेकर थाना क्षेत्र से लेकर सब तरह से एक्टिव हैं। तमाम गाड़ियाँ ऐसी हैं जो रायबरेली में आके उन्होंने छोड़ दिया साथ, जी, अब आगे लखनऊ वाले साथ देखेंगे, जो लखनऊ की टीम है यहाँ जो टीम लगाई गई है। विवेक आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप दिखा